हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल आरबीएमएससीएस में आपका फिर से स्वागत है। हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सफलता प्राप्त करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। यहाँ पर जो भी वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हम आशा करते हैं कि वे सभी आप लोगों के लिए वरदान साबित होंगे और उससे आप लोगों को कामयाबी प्राप्त होगी। और इसलिए यदि ये सभी वीडियो आप लोगों को पसंद आते हैं तो आप सभी लोग इसे अपने भाइयों बहनों और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सके। और साथ ही इसे शेयर करने के साथ साथ आप लोग इसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए जो वीडियो हैं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो अब हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए आगे पुनः अपने विषय पर चर्चा करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 का पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक लास्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर देखें ध्यान से। इसमें दिया है कि आकृति 6.44 में कोण पी क्यू आर की भुजा को यस तक बढ़ाया गया है। इसमें ऐसे कोण बना है पी क्यू आर और इस पी क्यू आर की भुजा को यस तक बढ़ाया गया है, ठीक है। और दिया है क्यू आर को यस बनाया गया। यदि पी क्यू आर और क्यू पी आर यस के सब विभाजक की पर मिलते हैं, पी क्यू आर और पी आर एस, देखें पी क्यू आर का समविभाजक यहाँ जाता है और पी आर एस का समविभाजक यहाँ से खींचा गया है। ये दोनों एक दूसरे से पी बिंदु पर मिलते हैं, यह दिया गया है। तो हमें सीधे करना है एंगल क्यू पी आर बराबर हाफ एंगल क्यू पी आर, हाफ एंगल क्यू पी आर, यह हमें से निकलना है। क्वेश्चन को सब लोग ध्यान से देखें क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि ए है त्रिभुज पी क्यू आर, इस पी क्यू आर की भुजा को यहां यस तक बढ़ाया गया है, पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को यस तक बढ़ाया गया है, ठीक है, यह दिया है। और इसमें क्या किया है, जब पी क्यू आर की क्यू आर भुजा को यस तक बढ़ाया गया है, फिर उसके बाद पी क्यू आर का समविभाजक दो भागों में बांटने वाली रेखा और पी आर एस का समविभाजक खींचा गया है। ये दोनों समविभाजक एक दूसरे को टी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर, यही हमें सीधे करना है। अब देखिए कैसे सीधे करेंगे इसको, जो दिया है पहले लिख लें। अब दिया है इसने कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर के ले लेंगे तो क्या होगा, हम तो जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180, ये हमको पता है। हमको देखिए लाना क्या है, क्यू टी आर का मान बताना है, क्यू टी आर यहाँ पर कोण बन रहा है, क्यू टी आर ए वाला कोण है, और इसको लाना है हाफ कोण क्यू पी आर, इसको इससे लाना है, बस यही हमको ध्यान रखना है, इस कोण को हमें इससे लाना है, ठीक है। इन दोनों में हमें संबंध ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होगा, कोण पी क्यू आर में, पी क्यू आर में हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो कोण क्यू पी आर ऊपर वाला शीर्ष वाला कोण लिए, यहां वाला पूरा कोण क्या होगा पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू
बराबर हो गया 180, या एक इक्वेशन हम मान करके ले लेते हैं, ठीक है। यह हम इसमें एक इक्वेशन ले लिए, अब दूसरा त्रिभुज ले लें क्यू पी आर में, त्रिभुज क्यू टी आर में। क्यू टी आर में क्या है, कौन कौन सा कोण बनेगा, कोण टी क्यू आर, ऊपर वाला तो कोण है क्यू टी आर, कोण क्यू टी आर प्लस कोण टी क्यू आर प्लस कोण टी क्यू आर, और क्या है प्लस कोण क्यू आर टी, कोण क्यू आर टी, अब बराबर होगा 180। यहां तक तो आया हुआ सबको समझ में, क्या हम किए हैं इस त्रिभुज के लिए है पी क्यू आर को, इसमें यह कोण क्यू पी आर, ये पूरा कोण पी क्यू आर, और यह पूरा कोण क्यू आर पी, इन तीनों का योगफल 180 कर दिया है। अब यह वाला त्रिभुज लिए हैं पी क्यू आर में, यह कोण लिए हैं क्यू पी आर, यह कोण लिए हैं पी क्यू आर, और ए पूरा कोण ले लिए हैं जिसका नाम है पी आर टी, सॉरी पी आर टी कह रहे हैं क्यू आर टी, ठीक है, ए ले लिए। अब देखें किताब में दिया है पी क्यू आर का समद्विभाजक किया है क्यू टी, अब चूंकि कोण पी क्यू आर का समद्विभाजक क्यू टी है, जब समद्विभाजक है तो कोण पी क्यू टी, कोण पी क्यू टी अब बराबर हो जाएगा कोण पी क्यू आर, बराबर कोण पी क्यू आर, यह मिल जाएगा, और कोण पी आर एस का समद्विभाजक है आर टी, कोण पी आर एस का समद्विभाजक आर टी है। यहां पर क्या होगा, जब आर टी समद्विभाजक है तो कोण पी आर टी, इसलिए कोण पी आर टी, देखिए पी आर टी, पी आर टी यहां से यहां तक केवल इतना दूर है ए वाला, ठीक है, कोण पी आर टी बराबर क्या हो जाएगा, कोण टी आर एस बराबर कोण टी आर एस, ये आपको मालूम हो गया। अब इसका जो वैल्यू है इसको हम समीकरण एक या समीकरण दो में रखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखें समीकरण एक में यहां भी दिया है तीनों कोणों का योगफल 180, इस समीकरण में भी तीनों कोणों का योगफल 180 है, तो जब दोनों का, अब पीछे बताया कि यदि राइट हैंड साइड बराबर हो तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होता है, अर्थात अगर दाहिना पक्ष बराबर हो तो बाएं पक्ष को भी हम बराबर ले सकते हैं। यहां देखिए क्या करेंगे, वही काम करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से देखे समीकरण एक और दो में क्या करते हैं, इसके बराबर यह कर दें, ठीक है। ये हमारा क्या दिया है, या हमको क्यू टी आर बराबर इतना लाना है, तो दो को ही पहले लिख लें क्योंकि दो में क्यू टी आर स्थित है, तो दो वाले को ही पहले लिख लें, तो कोण हो गया हमारा क्यू टी आर प्लस कोण टी क्यू आर प्लस कोण क्यू आर टी, और बराबर हो जाएगा यहां पर कोण क्यू टी आर प्लस कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर क्यू, देखिए मान रख दिए। अब यहां पर हमें रखना है क्यू टी आर, क्यू टी आर को तो निकालना ही है, इसे कोई मान रखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने। अब टी क्यू आर देखिए, टी क्यू आर ए वाला कोण है, तो टी क्यू आर और पी क्यू टी ए इधर का दोनों बराबर है कि नहीं, है ना, तो जो टी क्यू आर है
या तो अभी टी क्यू आर को टी क्यू आर ही रहने दे रहे हैं, टी क्यू आर ऐसी रहने दी। अब क्यू आर टी, देखो क्यू आर टी, एक क्यू आर टी इतना हुआ है, ठीक है। यहां किताब में दिया था कि टी आर क्यू का पी आर एस का समविभाजक, ध्यान दे टी आर एस का समविभाजक है आर टी, तो इधर वाले में यह बराबर होगा इधर वाले के, यानी कि भूत से इधर वाला मान लो, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। इधर वाला बराबर होगा इसके, तो कोण टी क्यू आर ले लिए, और कोण क्यू आर टी है तो क्यू आर टी, यह कोण है, इसको हम रहने दे रहे हैं, इसको या इसको लिख सकते हैं क्यू आर टी को, देखो क्यू आर टी को लिख सकते हो क्यू आर पी, क्या लिख सकते हैं क्यू आर पी, अच्छा पी आर क्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इतना और प्लस इधर वाला जो मान है पी आर टी, तो इस क्यू आर टी के जगह पर लिख सकते हैं कोण पी आर क्यू और धन, देखिए पी आर क्यू अधन पी आर टी बराबर। अब इधर वाला लेते हैं कोण क्यू पी आर, इसको रहने दें क्यू पी आर, धन कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर हम तो यहां पर लिए हैं टी क्यू आर, देखिए टी क्यू आर में लिए हैं, तो पी क्यू आर का आधा है टी क्यू आर, अर्थात हम पी क्यू आर को लिख सकते हैं, टी क्यू आर को लिख सकते हैं यहां पर दो कोण टी क्यू आर, दो कोण टी क्यू आर, अब पी आर क्यू यहां पर दिया ही गया है, पी आर क्यू को हम पी आर क्यू ही रहने देते हैं, अब दोनों पक्षों में जो कटता है उसको कटा देते हैं, देखिए यहां पी आर क्यू, पी आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद टी क्यू आर यहां पर एक छो है, यहां कितना है दो है, ये उधर जाकर घट जाएगा, निकालें तो कोण क्यू टी आर बराबर, सीधे निकाल देते हैं, यहां देखे टी क्यू आर है पी आर टी, टी क्यू आर धन पी आर टी, टी क्यू आर धन पी आर टी, इसका आधा है ये वाला इतना है, ठीक है, इसको रहने दें, उस उधर लेकर के चले जाते हैं, तो यहां पर क्या है कोण क्यू पी आर प्लस दो कोण टी क्यू आर, बस अब इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो माइनस कोण टी क्यू आर, और ये पी आर टी उधर जाके चला जाएगा माइनस कोण पी आर टी, यहां तक देखें, अब इसके आगे देखें कोण क्यू पी आर बराबर कोण क्यू पी आर, इसको रहने देते हैं क्यू पी आर प्लस दो कोण क्यू टी क्यू आर है, दो कोण टी क्यू आर में से एक कोण टी क्यू आर घटा देंगे तो एक बचेगा कोण टी क्यू आर, टी क्यू आर, और माइनस है कोण पी आर टी, अब यहां लेके लगा दे रहे हैं कोण क्यू टी आर बराबर कोण क्यू पी आर, क्यू पी आर देखिए कहां है क्यू पी आर, यह कोण है, यहां देखिए टी क्यू आर माइनस पी आर टी, टी क्यू आर और माइनस है पी आर टी, ठीक है, टी क्यू आर माइनस है पी आर टी इधर वाला, तो देखें ये बहिष्कोण है, यहां देखें यही ध्यान देना है, और यहां पर यहां देखिए ए वाला जो कोण यहां से यहां तक है ये वही कोण है,
दिख रहा है यहाँ कोण पी आर एस, पी आर एस बराबर होगा कोण पी यानी कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर और धन क्या हो जाएगा कोण पी क्यू आर, मतलब इसका मान जो है इस पूरे का मान इसके और इस पूरे के योगफल के बराबर होगा। आया समझ में आया? जैसे यहाँ पर हमारा क्या है ये वही कोण है क्योंकि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया है तो यहाँ पर कोण पी आर एस हमारा क्या है वही कोण है और वही कोण का मान उसके सामने स्थित दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। देख ले यहाँ लिख देगा ध्यान रहेगा यहाँ लिख देंगे चूंकि कोण पी आर एस, पी आर एस बराबर हो जाएगा कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर और प्लस कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर ये हमको मालूम है पी आर एस का मान जो है कोण क्यू पी आर और पी क्यू आर के बराबर है। अब पी आर एस देखो क्या है, पी आर एस को हम लिख सकते हैं, पी आर एस को लिख सकते हैं दो कोण, ये देखो यहां से यहां तक है और यहां पर भी बताया गया कि यह रेखा जो आर टी है इसको दो बराबर भागों में विभाजित करती है तो इसके बराबर यह होगा और इस कोण का नाम क्या है पी आर टी, इसको कह सकते हैं टू कोण पी आर टी, पी आर टी पी आर एस, पी आर एस को लिख सकते हो दो कोण पी आर टी। यहां आया समझ में, पी आर एस को लिख सकते हैं दो कोण पी आर टी, पी आर टी का दूना है पी आर एस, ठीक है बराबर कोण क्यू पी आर, क्यू पी आर को हम रहने दें अगर इसी तरह से अधन कोण पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर को क्या लिख सकते हो पी क्यू आर को हम यहां पर लिख सकते हैं देखो पी क्यू आर है पूरा कोण है तो इसको भी लिख सकते हैं दो कोण क्या पी क्यू आर, पी क्यू आर का दूना। ऐसा क्यों किए ताकि सब एक में हमारा कन्वर्ट हो जाए, हमको निकालना है सीधे करना है क्यू टी आर और क्यू पी आर, ठीक है क्यू टी आर में निकालना है और क्यू पी आर में निकालना है तो जितना हमारा पी आर टी है या क्यू टी क्यू आर है या क्यू पी आर है उसको हम कन्वर्ट केवल किए किस रूप में हमारा आ जाए। अब यहां से देखें जो उतार रहे थे क्यू टी आर बराबर क्यू पी आर धन टी क्यू आर, धन यहां पर है टी क्यू आर कोण टी क्यू आर और माइनस है पी आर टी। अब देखिए पी आर टी के जगह पर क्या लिख सकते हैं पी आर टी यहां पर दिया है पी आर टी, क्योंकि हमको पी आर टी में तो लाना नहीं है हमको तो क्यू टी आर और क्यू पी आर मिलाना है, ठीक है तो यहां क्या करते हैं अब पी आर टी के जगह पर जहां माइनस पी आर टी लिखा है इस माइनस पी आर टी के जगह पर करेंगे तो हाफ हो जाएगा इस पूरे का हाफ, यहां पर क्या हो जाएगा कहीं देखें यहां करके दिखाई दे रहा है कोण पी आर टी बराबर हम लिख सकते हैं यहां पर एक बटे दो, जब यहां से दो हटाएंगे यहां पर बटे दो हो जाएगा कोण क्यू पी आर और यहाँ पर बटे दो करेंगे तो दो दो कैंसिल हो जाएगा कोण पी क्यू आर, यहाँ पर माइनस देखे लिखा है पी आर टी, जब माइनस लिखा है तो दोनों का चिन्ह यहाँ पर जैसे पी आर टी देखें माइनस यहाँ पर है जब लिखेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, पहले यहाँ माइनस में हो जाएगा हमारा मान पी आर टी के जगह पर हाफ कोण क्यू पी आर और माइनस यहां पर कर दे रहे हैं कोण टी क्यू आर। अब यहां पर देखिए टी क्यू आर और टी क्यू आर क्या हो गया कट गया हमारा, इसलिए कोण क्यू टी आर अब बराबर क्यू पी आर यहां पर पूरा है उसमें से आधा घटाएंगे तो हाफ बचेगा कोण क्यू पी आर और ये हमको प्रूव करना है। फिर से एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखें क्या किए हैं, थोड़ा क्वेश्चन लंबा लग रहा है और भी शॉर्ट में हो सकता है लेकिन इसको पहले क्या करना पड़ेगा
यही हमको पहले ले लेना है कि जो वही स्कोर का मान जो है सामने स्थित दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर है, बस ये हमको पहले अगर ले लेना है, जो पहले नहीं लिया गया है। तो इसमें देखिए कैसे क्या किया गया है, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में, तो त्रिभुज पी क्यू आर तो पी क्यू आर में तीन त्रिभुज है, सॉरी तीन कोण है, क्यू पी आर प्लस कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर क्यू, ये वाला आर है। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 हम निकाल दिए हैं। अब क्या किया गया है, त्रिभुज क्यू टी आर को लिया गया, तो देखिए यहाँ क्यू टी आर ये वाला त्रिभुज है, इसमें भी तीन कोण है, एक है क्यू टी आर दूसरा है टी क्यू आर और तीसरा है क्यू आर टी। तीनों कोण को ध्यान से देखना है कि इस त्रिभुज में कौन कौन से तीन कोण है और उसका मान भी क्या होगा, 180। अब हम लिख लिए, चूंकि पी क्यू आर का समद्विभाजक यह पी क्यू आर है, इसका समद्विभाजक है क्यू टी, तो जब इसका समद्विभाजक क्यू टी है तो इसका मतलब क्या है कि यह कोण और यह कोण दोनों बराबर होगा, तो कोण पी क्यू टी बराबर कोण टी क्यू आर, यहां पर लिख दिए हैं। उसके बाद अगला क्या दिया है कि कोण पी आर एस का समद्विभाजक, पी आर एस देखिए कहाँ है, पी आर एस यहां से यहां तक ये रहता है, इसका समद्विभाजक है आर टी, यहां पर कौन सा बराबर होगा, यहां पर आधा कोण यानी यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर यहां तक ये बराबर होगा, तो उसका नाम क्या है पी आर टी, देखिए यहां लिखिए पी आर टी बराबर टी आर एस, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब समीकरण एक और दो में क्या किए, चूंकि दोनों कोणों का दोनों त्रिभुजों में तीनों कोणों का योग 180 है, तो चूंकि राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट को हम बराबर कर लेते हैं। अब क्या किए हैं, पहले वाले में क्यू टी आर को ऐसे उतार दिए हैं, पी क्यू आर को भी उतार दिए हैं और क्यू आर टी को कन्वर्ट किए हैं। देखिए क्यू आर टी तो क्यू आर टी में क्या हुआ, यहां तक कोण है, इसमें दो कोण है क्यू आर पी आधन पी आर पी दोनों कोण है, तो यहां पर देखें पी आर क्यू धन पी आर टी दोनों कोण जोड़ दिए, धन क्यू पी आर ऐसे उतार दिए, अब पी क्यू आर है, देखिए पी क्यू आर, अब इसको ध्यान दें पी क्यू आर को कैसे कन्वर्ट किए, पी क्यू आर यहां भी कर्धक खींचा गया है तो पी क्यू आर पूरा है, ये दुना हो गया, किसका दुना हो गया, टी क्यू आर की, यहां पर देखिए लिखा हो गया 2TQR, ये पी क्यू आर की जगह पर पी क्यू आर बराबर दो कोण टी क्यू आर, अब पी आर क्यू जैसे वैसे लिख दिए। अब यहां पर क्या हमको मिला, ये बीच में बराबर यहां पर है, इसके इधर भी पी आर क्यू है, इधर भी पी आर क्यू है, अगर इधर से उधर जाएगा तो माइनस होगा, चाहे यहां से इसको ले आएंगे पक्षांतर करेंगे ये माइनस हो जाएगा, इसलिए इन दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया। अब बचा क्या क्यू टी आर, यहां पर देखिए क्यू टी आर को उतारा गया है, यहां क्यू पी आर बचाई है उतार दिए, और दो कोण टी क्यू आर बचाए भी उतार दिए हैं, और बाकी इधर जो बचे हैं एक पद बचा है यहां पर देखें, एक टी क्यू आर बचा है और एक पद यहां पर बचा है पी आर टी, इन दोनों को हम पक्षांतर कर दिए, तो पक्षांतर करेंगे तो इनका चिन्ह परिवर्तित होगा, ठीक है। यहां देखें चिन्ह परिवर्तित हुआ तो टी क्यू आर यहां पर माइनस हो गया और यहां पर जो पी आर टी ये भी क्या हो गया माइनस हो गया, और यहां वाला तो एक क्यू पी आर और टू टी क्यू आर ये पहले से, ठीक है। हम क्या करेंगे क्यू टी आर बराबर क्यू पी आर और दो टी क्यू आर में एक टी क्यू आर घटा देंगे तो एक टी क्यू आर बचेगा, अब माइनस पी आर टी यहां पर है। फिर आगे देखें यहां पर क्यू टी आर बराबर क्या हुआ, क्यू पी आर को ऐसे उतार दिए हैं, टी क्यू आर को भी उतार दिए हैं और पी आर टी जो है पी आर टी को कन्वर्ट किए, देखिए पी आर टी ये है ना, तो पी आर टी बराबर क्या होगा हाफ क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर, क्यों, क्योंकि यहां पर पी आर एस जो है
यहाँ आप दिखा दिए क्यों है, यहाँ पर दिखा भी दिए क्यों ऐसा हुआ है। पी आर एस, पी आर एस हम बताए थे यहाँ पर, फिर से एक बार देख ले। पी आर एस जो है, पी आर एस ए पूरा कोण जो है वही कोण है किसका, ये वही कोण है त्रिभुज पी क्यू आर का। तो वही कोण का मान इस कोण के और इस पूरे कोण के योग के बराबर होगा। तो देखें पी आर एस बराबर यहां लिखे हैं क्यू पी आर, क्यू पी आर आधन पी क्यू आर, पूरा पी क्यू आर लिखे। अब पी आर एस यहां पर लिखे थे, पी आर एस को क्या किए हैं, पी आर एस का अर्धक है आर टी, ठीक है। तो आर टी जब अर्धक है तो इधर क्या बनेगा, पी आर टी, यानी जब पी आर टी इतना लेंगे तो इधर वाला भी एक टू पी आर टी होगा, ये भी एक टू पी आर टी, ये भी एक टू पी आर टी। तो पी आर एस बराबर लिख दिए टू पी आर टी, अब बराबर क्यू पी आर धन दो कोण टी क्यू आर। अब पी क्यू आर देखें, पी क्यू आर को लिखे हैं टी क्यू आर, क्योंकि ये भी तो अर्धक है, अर्धक है तो इधर भी टी क्यू आर है, एक टू टी क्यू आर इसको भी ले सकते हैं, तो दो टी क्यू आर हो जाएगा। यहाँ पर पी आर टी बराबर जब लेंगे तो दो से यहाँ भाग देंगे तो हाफ टी क्यू पी आर, यहाँ दो से भाग देंगे तो दो गायब हो जाएगा, केवल बचेगा टी क्यू आर। अब यही पी आर टी के जगह पर यह मान जो है यहाँ पर रखा गया है, यहाँ देखिए पी आर टी लिखा गया था, तो पी आर टी के जगह पर माइनस हाफ कोण क्यू पी आर, हाँ माइनस चुकी है तो दोनों का चिन्ह बदल गया, अब यह कैंसिल हो गया, क्यू पी आर में आधा ये पूरा है, एक में आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, यही हमें सीधे करना था। आ गया सबको समझ में, कोई संशय नोट कर।